हेलो माय वाइटी फ्रेंड्स, आज की वीडियो मेरे फेवरेट होम डेकोर आइटम से रिलेटेड है। ये सारे बॉक्सेस जो आप देख रहे हैं, इनमें मैंने मीशो से डिफरेंट टाइप्स एंड कलर्स के वेसेस मंगवाए हैं। होप कि आपको मेरी चॉइस पसंद आएगी। इन सब के बाइंग लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस हॉल का फर्स्ट वाज है, ये मेरा बहुत ही फेवरेट वाज है। ये मेटल का फ्लावर वाज है और इसका कलर बिल्कुल स्काई ब्लू या आप लाइट टील ब्लू कह सकते हो। इसके नीचे रबर के पैड्स लगे हुए हैं जिससे ये स्लिप होने का इसका कोई डर नहीं है, और इसका बेस भी काफ़ी ब्रॉड है। तो इसकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी थी। सबसे अच्छी बात, ये मेड इन इंडिया है और ये काफ़ी एंटीक लुक भी देता है। विंटेज स्टाइल डेकोर में तो ये बहुत ही मस्त लगने वाला है। तो इसकी पैकेजिंग जो थी बहुत ही अच्छी आप देख रहे हो आई है। रेटिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी है एंड रिव्यूज़ भी अच्छे हैं, और ये मीशो ट्रस्टेड प्रोडक्ट है। तो मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड प्रोडक्ट है। नेक्स्ट वास है हमारा ग्लास फेस, जो कि क्लियर ग्लास का है, बट इसके ऊपर रिब्ड डिज़ाइन बना हुआ है जिसको आप फ्लूटेड ग्लास डिज़ाइन भी बोल सकते हो। ये यू शेप में इसका डिज़ाइन है और थोड़ा उभरा हुआ डिज़ाइन है, इसलिए अच्छा लगता है। बॉटम इसकी फ्लैट है, इसका इजीली इसका टॉपल होने का भी कोई डर नहीं है, और इसकी फिनिशिंग बहुत ही प्यारी है। और इसके ऊपर मतलब आप ये नहीं कह सकते कि एजेस इसके शार्प हैं, काफ़ी स्मूथ एजेस हैं। और ये भी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, हैंड क्राफ्टेड है ये। नेक्स्ट वाज भी हमारा एक ग्लास वाज है जो स्लाइटली ग्रे कलर का है, और इसकी जो हाइट है ये तकरीबन 8 इंचेस है, और इसका बेस जो नीचे से थोड़ा ब्रॉड है ऊपर से थोड़ा सा नैरो है। और ये भी मॉडर्न डेकोर स्टाइल के लिए बिल्कुल ही अप्रोप्रिएट है, मेड इन इंडिया है। इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी थी और मीशो ट्रस्टेड प्रोडक्ट है, और बहुत ही सुंदर लग रहा था इसको जब भी मैंने डेकोर किया था। हमारा नेक्स्ट वाज है मेटल जग। इसको हम रस्टिक फार्म हाउस स्टाइल मेटल जग भी बोल सकते हैं, जैसे ओल्ड टाइम में मिल्क जग होते थे, ये उस टाइप का है। काफ़ी स्मूथ इसकी फिनिश है और इसका जो पेंट है उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ये एक्चुअली तो टिन मटेरियल का बना हुआ है, और बट ये देखने में आपको सिरेमिक भी लग सकता है। इसको आप डिफरेंट टाइप्स में यूज़ कर सकते हैं, अपने फ्लावर अरेंजमेंट के लिए तो यूज़ कर ही सकते हैं। इसको आप किचन में भी यूज़ कर सकते हैं, आप अपने स्पैचुलास वगैरह रख सकते हैं, या कुछ भी अगर आप चाहें आप इसको आपकी इमेजिनेशन के हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हमारे हॉल का नेक्स्ट वाज है ये सिरेमिक हैंड क्राफ्टेड वाज। ये एंटीक लुक में वाज आ रहा है, और इसके ऊपर ये स्ट्रक्चर सा बना हुआ है जो लाइंस बनी हुई है, ये ही इसकी ब्यूटी है। और ये क्वाइट हैवी वाज है, आप देख सकते हो ग्रे कलर में है और लाइट ब्राउन कलर की इसके ऊपर लाइंस बनी हुई है, और इसकी विड्थ है 10 इंचेस। ये ज़्यादा चौड़ा नहीं है वाज, थोड़ा नैरो वाज है, 1.5 इंच इसकी चौड़ाई होगी। तो ये आप देख सकते हो कि कितना सुंदर लग रहा है। ये नॉन ग्लॉसी है, अगर आप सोचो ना इसके ऊपर ज़्यादा हाई ग्लॉस नहीं है, नॉन ग्लॉसी मटेरियल है इसका। इसको आप किसी भी तरह से स्टाइल कर सकते हो, ये आपकी इमेजिनेशन के ऊपर है। हाँ, बट एक है बात है कि आप इसको थोड़ा ध्यान से रख सकते हैं, जैसे घर में बच्चे हों छोटे हों तो ये गिर के इसका टूटने का ज़रूर डर है। स्टेबल है ये,
और ये नहीं आप कह सकते कि स्टेबल नहीं, स्टेबल है बट इसको ध्यान से ही आप यूज करिए। इस हॉल का नेक्स्ट वाज है हमारा छोटा सा क्यूट सा पिंक कलर का वाज। ये भी सिरेमिक वाज है और इसका आप देख सकते हो इसकी फिनिश कितनी प्यारी है। इसकी पैकेजिंग तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी, एक्सेप्शनली अच्छी पैकेजिंग आई थी इसकी। सारे वाजेस जो थे बहुत अच्छी पैकेजिंग में थे बट ये तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी इसकी पैकेजिंग करके दी हुई थी। इसे आप बिना फ्लावर्स के भी डेकोरेट कर सकते हो, फ्लावर्स रख के भी डेकोरेट कर सकते हो, ये आपकी इमेजिनेशन के ऊपर है आप कैसे इसको यूज़ करते हो। मेरी तरफ से तो ये हाईली रिकमेंडेड है और बहुत ही प्यारा पिंक कलर है, आप यकीन मानिए बहुत ही क्यूट है ये। अब ये जो आप वाज देख रहे हैं ये ग्लास वाज है और ये 2 के कॉम्बो में ही आते हैं और आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से इनको पैक करके भेजा गया है और इनकी शेप भी बिल्कुल दोनों की अलग शेप है और आप इनकी शाइन देखें कितनी अच्छी है। थोड़ा रोज़ गोल्ड टाइप का इनका कलर है और बहुत ही प्रीमियम लुक आ रही है इनकी और इतने कम प्राइस में, जितने में एक वाज आता है उतने में ये 2 वाज आए हुए थे। और सच में मीशो के तो कमाल ही आप बोल सकते हो कि इतने लेस प्राइस में इतने प्रीमियम प्रोडक्ट्स हमें आजकल वो दे रहे हैं। तो मेरी तरफ से तो ये वाज हाईली 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 रिकमेंडेड है। आप देख सकते हो कितने स्मूथ इनके एजेस हैं। नेक्स्ट वाज भी हमारा सेम इसी कैटेगरी का वाज है, ग्लास वाज रोज गोल्ड कलर में। ये डिफरेंट सेलर से मैंने मंगवाया है। इसका कलर पहले वाले जो वाज है उनसे थोड़ा सा लाइट है, थोड़ा ट्रांसपेरेंट इसमें ज़्यादा दिख रहा है। कि जो आप देख रहे हो अनबॉक्सिंग की वीडियो इसमें आपको दिख रहा होगा कि मैंने ये 2 वाज मंगवाए, ये 2 के कॉम्बो में नहीं आता, सिंगल ही आता है। मैंने ही ये 2 पीसेस मंगवाए थे तो ये आता सिंगल ही है। आप चाहो डबल मंगवा सकते हो बट आप देख सकते हो कि ये भी पहले वाले वाज की तरह बहुत प्यारा लग रहा है। इसका जो बेस है वो पहले वाले जो वाजेज है उनसे ज़्यादा थोड़ा ब्रॉड बेस है। तो इसको आप किसी भी तरह से स्टाइल कर सकते हो। आप इनको अगर विदाउट फ्लावर्स अगर 3 को एक साथ रख के ऐसे ही आप डेकोरेट करोगे ना तो भी ये बहुत प्यारा लगने वाला है। आप फ्लावर्स डाल के भी डेकोरेट कर सकते हो, विदाउट फ्लावर्स भी कर सकते हो। इनके एजेस काफ़ी स्मूथ हैं और हमारे हॉल का लास्ट जो वाज है आप देखने जा रहे हो ये है एक गोल्डन कलर का मेटैलिक वाज। ये दिखने में ज़रूर ब्रास जैसा लग रहा है बट एक्चुअली ये ब्रास का नहीं है। इसकी जो शाइन है और इसका जो कलर है बिल्कुल ब्रास जैसा ज़रूर है। आप देख सकते हो इसकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी होके आई है। इसको सिरेमिक वाजेस की तरह बहुत ज़्यादा हैवी मटेरियल में तो नहीं पैक किया गया, मे बी इसलिए क्योंकि ये काफ़ी स्टर्डी है। ये देखिए इसका बेस कितना ब्रॉड है और स्टेबल बेस है और कहीं से भी इसके ऊपर कोई डेंट, कोई निशान या कोई कलर इसका ख़राब हो, डैमेज हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो इसके ऊपर आप छोटे छोटे कट्स देख रहे हैं ये हैंडमेड होने की वजह से इसके ऊपर छोटे छोटे ऐसे हैमर करके निशान बनाए जाते हैं जो इस वाज की असली USP है। आई होप कि आपको मेरा आज का ये वेजेस का हॉल पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।